अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बना रही हूँ मैं प्याज के पकोड़े, जो बहुत लजीज बनते हैं। जिसके लिए चाहिए हमें आधा किलो प्याज है, ये ऐसे खड़ी खड़ी काट लेंगे और उसको अलग अलग कर टुकड़ों में कर लेंगे। प्याज को काटने के बाद ऐसे पीसों में कर लेंगे, खोल लेंगे प्याज को। धो लिया है मैंने प्याज को एक बार धोकर, फिर इसको देखिए क्या करना है। इसमें हम नमक डालेंगे, पहले चाय के एक चम्मच से नमक डालकर इसको पहले अच्छे से मसल लेंगे, क्योंकि नमक प्याज में मिल जाए और प्याज का पानी छूटे, इसलिए नमक डालकर हम पहले मसलेंगे। पानी छूटने से, इसके पानी से ही हम चने का आटा मिलाएंगे इसमें। अगर थोड़ा पानी कम पड़े तो थोड़ा पानी ले लेंगे, जितना पानी छूटेगा, जितना कम लगेगा पानी, उतने भजिए मज़ेदार बनेंगे। अब इसमें बराबर से ही मसलते जाएंगे प्याज को हम, जितना मसलेंगे उतना पानी निकलेगा। अब इसमें मसाले डालेंगे, क्या क्या डालेंगे बताती हूँ मैं। ये देखिए, इसमें जाएगा हल्दी एक पिंच और दो हरी मिर्चें बारीक काट लें। ये साबित धनिया है चाय का एक चम्मच, ये करिया पाक है, और ये अदरक लहसुन पेस्ट एक चम्मच, मिर्ची है। और अभी इन सबको हम डाल लेंगे, मिर्ची पाउडर चाय का आधा चम्मच है ये, और हल्दी पाउडर है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब उसके बाद डालेंगे दो हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल देंगे, ये साबित धनिया है, साबित धनिया को ऐसे ही डाल लेंगे, फिर करिया पाक डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे बेसन, जितना अच्छा मिलाएंगे उतना अच्छा भजिया बनेंगे। सारे मसाले अच्छे तरीके से मिल जाना चाहिए, ये देखिए अच्छे तरीके से मिल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेसन यानी चने का आटा, ये देखिए। अब इसको हम डालकर फिर मिक्स करेंगे। ये चने का आटा कम से कम पाव किलो है, आधा किलो प्याज है, पाव किलो चने का आटा है। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी लगेगा, क्योंकि पानी थोड़ा कम पड़ रहा है हमको, इसलिए हम थोड़ा पानी देंगे, इसमें पौधा लेंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे ऐसे ही, फिर मिला लेंगे इसको। ये मिक्स हो गया है हमारा आटा, अब भजे तलने के लिए रेडी हो गया है ये। अब हम पहले पैन रखेंगे, अगर तेल डालेंगे, ऑयल डालेंगे, ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे। ये गरम हो चुका है ऑयल, अब देखिए मैं पहले चेक कर रही हूँ तेल गरम हुआ है नहीं, बल्कि गरम हो चुका है। अब हम भजिए डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमारे भजिए बन रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे पीसों में डालते जाएंगे हाथ से, ऐसे ही चम्मच से नहीं डालेंगे, हाथ से ही डालेंगे भजिए। हाथ से डालने से तलने के लिए भी अच्छा आएगा भजिए, और क्योंकि चम्मच से डालेंगे तो लुंडे लुंडे बनेंगे और बीच में नहीं गले नहीं पकेंगे, इसलिए हम लोग हाथ से ही डालते हुए तल लेंगे इसको। बीच में कच्चे पक्का नहीं रहता है वो। अब इसको देखिए ऐसे ही फ्राई, तेज़ आंच पर ही हम लोग फ्राई करेंगे। धीमी आंच पर फ्राई करने से इसमें तेल जज्ब हो जाता है, तेल पी लेता चूस लेता है ये भजिए, इसलिए हम लोग तेज़ आंच पे ही करेंगे इसको। हमारे भजिए हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हो चुके हैं,
हमारे भजिए कड़क फ्राई हो चुके हैं। निकाल लेंगे इसको। निकाल कर फिर और एक बार डाल देंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस है, डाल लेंगे फिर अच्छे से फ्राई करके फिर उसको भी निकाल लेंगे। बारिश में बहुत मज़ेदार लगते हैं ये भजिए। बारिश होते ही हम लोग ऐसे गरम गरम भजिए बनाकर खा सकते हैं आराम से। ये देखिए मैं और भजिए डाल रही हूँ। ये और एक बार डाल देंगे हम लोग। ऐसे ही पीस को निकाल लेंगे, मिला तल कर निकाल लेंगे। सेम ऐसे ही तल लेंगे हम लोग, पहले तले वैसा। ये फ्राई हो रहे हैं, थोड़ी देर में लाल हो जाएंगे। फिर इसको भी ऐसे ही निकाल लेंगे। बीच बीच में थोड़ा कच्चे है ये, इसलिए मैंने इसको बीच बीच में हिला रही हूँ मैं, पलटा रही हूँ बार बार, क्योंकि भी इसमें कच्चे रहते हैं, इसलिए हम लोग इसे पलटाते जाएंगे। नहीं तो ऐसे ही एक जगह रहेगा, गल पक जाएगा, जल जाएगा और बीच बीच में कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें कंटिन्यू मिलाते रहना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा भजिए बना रहे हैं तो ऑयल ज़्यादा डालें। हो चुके हैं, इसको भी निकाल लेंगे हम। अगर भजिए पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।